तो गाइस अभी मॉर्निंग का 6:30 हो रहा है। अभी सो के उठा हूँ। एक्चुअली इतना ज़्यादा थक गया था ना, और रात को सर्दी के कारण नींद ही नहीं आया था, काफ़ी लेट नींद आया था। फिर अभी मम्मी ने मतलब उठाया तो उठ के आया हूँ, और जैसे उठा अभी मुंह धो के फ्रेश हो गया हूँ, सर्दी के कारण ही शायद, और थोड़ा सा बारिश में भी कल भीजा था ना, पूरा शरीर ना भी गर्म होने लगा है, और शायद बुखार हो गया होगा ना मम्मी। अच्छा और ऐसा दवाई है कि नहीं? चलो, दवाई है तो दवाई अभी खाने पड़ेगा, और थोड़ा सा सर भी पेन कर रहा है। तो अब ये ऑयल है, नवरत्न ऑयल, इससे थोड़ा सा वो करता हूँ, आँख में लगा देता हूँ, थोड़ा सा आराम होता है ये लगाने से। और वीडियो एडिटिंग का काम है तो वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, उसका बाद बढ़िया से मिलता हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, मम्मी इस तरफ लाल चाय बना रहा है, देख सकते हो यहाँ पे लाल चाय बना रहा है रेड टी। और मम्मी तो सुबह उठ गया था, मुझे पता लगा, मतलब फूल तोड़ रहा था ना, लेकिन मैं इतना ज़्यादा थका हुआ था तो मतलब उठ नहीं पाया था। अभी कोई बात नहीं, सर्दी इतना ज़्यादा हो रहा है ना, पूरा जो कपड़ा था है, कपड़ा मतलब पूरा ऑटोमेटिक क्या करूँ हम, कर बहुत सकते परेशान हो रहा है। ना, दवाई लेने ही पड़ेगा जल्दी। और टेबलेट कल से थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ यहाँ पे, नहीं तो 4-5 दिन पूरा बारिश हुआ था ना मम्मी, पूरा लगातार। दे 15 दिनों से हाँ, बुरु 2 हफ्ता जैसे हो गया, 20 दिन पूरा बारिश, हर जगह में पूरा पानी पानी, क्या ही बोले। तो ठीक है, घर से चलिए। निकलने नहीं सकते वो, कोई नहीं जाने सभी बाहर तो सभी तो। और इस तरह मम्मी है, मम्मी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, हाँ, गुड मम्मी के तरफ से गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। ठीक मॉर्निंग। है, अभी चाय पियेंगे एक साथ, फिर मम्मी इस तरफ दिखाता हूँ। और ये तो मम्मी का डेली का काम है, सुबह उठ के फूल कलेक्ट मतलब करता है, और कितने सारे वेरियस टाइप का फूल है, देखिए, लाल, पीला, वाइट, यहाँ पे भी है ये सब। और अभी ये सबको मतलब बढ़िया से सजा के रखा हुआ है, ये भी दिया जाता है, और ये बेल का पट्टा है, ये भी दिया जाता है। सर्दी के कारण अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा, इतना परेशान हो रहा है। ठीक है, चलिए अभी चाय पीता हूँ, फिर वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, उसका बाद बढ़िया से मिलता हूँ। और इस तरह फिर छोटा भाई, छोटा भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाई भी उठ चुका है, भाई सुबह उठ जाता है, और भाई दो कितना मतलब लगातार बहुत काम कर रहा है। अभी जो ऊपर का गैरेज का काम था ना, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी कोई टेंशन नहीं है गाड़ी रखने के लिए, दोनों भाई का है कि नहीं? टेंशन टेंशन नहीं है अभी। नहीं है, चलो। इस तरफ लाल चाय आ चुका है, और लाल चाय टेबलेट पीने से थोड़ा सा अच्छा भी होगा, सर्दी हो रहा है ना उसको वजह से। चलिए पी लेता हूँ। और मम्मी अभी दवाई खोज रहा है, देखता हूँ मिला। अच्छा, गिर गया गिर गया। तो ये देखिए, मम्मी ने रखा था दवाई, तो अभी एक साथ चाय पी लेते हैं, चाय पीने के बाद दवाई खाएंगे, फिर मिलते हैं चलिए आपसे। तो गाइस ये है पैरासीटामोल, तो अभी पैरासीटामोल खाता हूँ, देखता हूँ खाने का बाद कैसा रहता है मतलब तबीयत। अभी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, अच्छे से कुछ बोल भी नहीं पा रहा, और सर भी पूरा भारी भारी लग रहा है, तो शायद इसे खाने से ठीक हो जाएगा। बुखार भी है, शरीर थोड़ा सा फूल गया है बुखार के कारण ही। ठीक ठीक है, चलिए दवाई खा लिया हो, अभी शायद ठीक हो जाएगा। और इस तरफ देखिए, मम्मी भी पूरा फुल पैकिंग कर रहे हैं, मतलब ये छोटा छोटा कैरी बैग में फुल भराने पड़ता है। और ये बहुत प्यारा दिख रहा है, ये फुल पिंक कलर का है, बहुत अच्छा है। और अभी बापन भाई कितना लेके जाता है? हम 3 बैग, अच्छा, एक दो तीन तीन पॉलिथीन। तीन कैरी बैग लेके जाता है बापन भाई देने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा दूर होता है ना, गाड़ी लेके जाता है, स्कूटी लेके जाता है। अच्छा, सही है। बिक्री ना जाए अच्छा, बाबू, 500 टा घर दिया। तो मम्मी बोल रहे फूल ज़्यादा सेल नहीं होता है, 4-5 घर में देता है मतलब। और ये जो
इसका कितना दुकान उकान नहीं है ना बाबू। हाँ दुकान नहीं है, दुकान होने से इसका कितना 10 रुपया 15 रुपये करके बिक्री करता है पहले। हाँ ऐसा 20 रुपया 15 रुपया ऐसा सही है। हाँ कुछ ना कुछ तो करने पड़ेगा। तो गाइस अभी 9:30 बज चुका है और दवाई खाया हूँ लेकिन सर्दी कम नहीं हो रहा है और वीडियो एडिटिंग का काम भी हो चुका है और इस तरफ मम्मी खाना बनाने के लिए सब्जी काट रहा है। आज ये बनेगा। आप लोग सोच रहे ये क्या है, ये एक्चुअली जो कद्दू है ना, कद्दू का ये मतलब साग बोलते हैं हम लोग, ये खाया जाता है। इसको एक्चुअली ऐसे क्लीन करने पड़ता है, इसका ये ऊपर एक पतला सा लेयर होता है इसे निकाल देने पड़ता है, फिर उसके बाद पीस पीस करके काफ़ी बढ़िया टेस्टी होता है ये सब्ज़ी भी। मम्मी भी खाते रहे यहाँ पे। और अभी मैं और छोटा भाई हमारे यहाँ पे कटहल का पेड़ है, कटहल पक चुका है, पेड़ में कटहल लगा हुआ है तो सोच रहा हूँ कि कटहल तोड़ लेता हूँ ना मम्मी। मैं तो कम खाता हूँ और अभी भाई बुखार हो रहा है, देखता हूँ छोटा भाई है आराम से तोड़ लेगा। और कटहल का जो बीज होता है बूटी वो बहुत बढ़िया लगता है, खा के काफ़ी टेस्टी होता है कि नहीं घर में अभी है। हाँ दिखाना ऐसा कुछ होता है जाने काफ़ी टेस्टी होता है, इसे सब्जी में भी खाता है, फ्राई करके भी खा सकता है। और अंगार होता है ना कोयला, कोयला में ये बांध करके भी खाता है ना माँ। ठीक है चलिए अभी कटहल तोड़ते हैं। इस तरफ छोटा भाई रेडी, और मम्मी बोल रहे हैं पैर में अच्छे से उठने के लिए क्योंकि बारिश हो रहा है ना तो उसके वजह से पैर पूरा स्लिपरी होकर रहता है। कोई नहीं आराम से उठेंगे चलिए। इस तरफ एक है कटहल का पेड़, ये पत्ता सब इसका ब्रांचेस काट के क्लियर कर दिया, साफा कर दिया, और ये वाला पेड़ में कटहल नहीं है। इस तरफ और एक कटहल का पेड़ है, यहाँ पे लगा हुआ है कटहल और वो रहा छोटा भाई। अभी छोटा भाई बोल रहा है भाई उठेगा पेड़ में, मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है उसके वजह से पूरा भाई बारिश से ना पूरा स्लिपरी होकर रखा है। आराम से उठना है ध्यान से। और ये देखिए एक बस्ता ले लिया, बस्ता में भरा के फिर रस्सी के द्वारा नीचे दे देगा, नहीं तो डायरेक्ट ऊपर से गिरने से ना कटहल ख़राब हो जाता है। अभी देखिए दिखाई दे रहा हुआ ये पूरा पका हुआ है, पेड़ का ऊपर ही पका हुआ है। तो बापन भाई उतरा है, देखना धीरे से, हाँ आराम से पकड़ना। एक्चुअली वैसे मैं ही उठ जाता लेकिन थोड़ा सा सर और पूरा घूम रहा है मेरा, तो बापन बोला कोई बात नहीं मैं तोड़ के तुमको देता हूँ। ये वाला तो पूरा पक गया, ये जो है ना पूरा पक गया। ऊपर भी लगा हुआ है लेकिन तीन देखा, लेकिन ऊपर और वहाँ पे लगा हुआ है। कैसा पकाया है ना ये, अच्छा ठीक है आराम से तोड़ो। तो अभी बस्ता को देखिए इस तरह से कटहल को दे रहे भरा के, सही है। डाव भी लेके गया, धीरे 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 बस आराम से गिराओ, रस्सी को पकड़ो। ए ए ए, ए, ए भाई साहब रस्सी ढीला था भाई, बस्ता पूरा टूट गया, कटहल भी गिर गया पूरा निकल गया भाई। जो काम के लिए बस्ता यूज़ किया था वो हुआ ही नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, इसको अभी निकाल लो, इसका गुड्डी खा सकेगा ना, उल्टा कर रहा पूरा खराब हो गया। कोई बात नहीं मीठा होगा शायद ना, पूरा मीठा हाँ बस का। ठीक है धीरे धीरे लाओ, बैग को छोड़ दो अभी, हाँ रस्सी को धीरे धीरे छोड़ो, छोड़ो छोड़ो लूज करो, हाँ लूज करो बस, और करो
ओके, ये देखिए बढ़िया से आ चुका है पूरा। ये तरीका अच्छा हुआ। ठीक है, अभी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ कटहल, फिर बापन भाई और तोड़ेगा। ये देखिए पूरा कटहल भाई पक जाएगा अभी, और बापन भाई अभी और तोड़ रहे हैं। और इसका एक्चुअली आटा खतरनाक होता है, ये जो है ना वाइट वाइट जितना भी ये सब गम मतलब आटा है, हाथ में लगने से पूरा चिपक जाता है। केरासिन ऑयल या मस्टर्ड ऑयल देने से फिर क्लीन हो जाता है, आटा लगता नहीं है। बस रुको रुको हो जाएगा। ये देखिए भाई पूरा आटा निकल के आ चुका है, यहाँ पे लगे रख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मीठा है ये कटहल भाई, लेकिन मैं खाता नहीं हूँ अभी, पहले खाता था छोटा में। तो बस अभी शरीर थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है, अभी फिर से और एक दवाई खाया हो, अभी देखता हूँ कुछ टाइम आराम करके। मतलब सोने का तो मन है, लेकिन अभी नींद भी नहीं आएगा, पता नहीं कैसे मतलब ठीक होगा। पूरा सर दर्द हो रहा है और सर्दी और पूरा बुखार हो रहा है, बुखार उतना नहीं लेकिन अंदर से पूरा बुखार जैसा फील हो रहा है। तो वही देखता हूँ, चलिए दवाई खा लिया शायद ठीक हो जाएगा। तो गाइस अभी दोपहर का देर बज चुका है, और कुछ टाइम आराम किया था, सोया था, लेकिन सोचा था ठीक होगा जो सर्दी हो रहा है, सर्दी ठीक नहीं हुआ, बुखार थोड़ा सा कम हुआ है। और अभी दोपहर का खाना बना रहा हूँ, खाने में आलू टमाटर ये सब मिक्स रहेगा, मिक्स सब्जी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मेरा बीमार भी है ना, थोड़ा सा पसीना अंदर से पसीना निकल रहा है। अच्छा है, पसीना निकालने से जल्दी जो बुखार है वो ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, अभी सब्जी बना लेता हूँ, बढ़िया से खाता हूँ, फिर मिलते हैं। तो गाइस शाम का अभी 4 बज चुका है, और फाइनली यहाँ पे देखिए गैरेज का काम भी बढ़िया तरह से हो चुका है। वहाँ पे रखा हुआ है अंदर एक्टिवा, अभी बाइक स्कूटी रखने के लिए टेंशन ख़त्म हो चुका है। और अभी वेदर देखिए कितना मस्त हो गया रखा है, आज काफ़ी बढ़िया वेदर है। और एक्चुअली अभी जोइंटो भैया का फ़ोन आया था, भैया का जो मतलब बाइक है वो सर्विसिंग में दिया हुआ है, और भैया का थोड़ा काम भी है तो मुझे फ़ोन किया था। मैं अभी जा रहा हूँ भैया के पास, तो मिलता हूँ। चलिए इस तरफ देखिए टीना लगा दिया है बरामदे में। और जमल भाई ठीक है, खबर बढ़िया? ओके, चलो भाई भी काम में बिजी है, तो अभी मैं भी जा रहा हूँ, चलिए थोड़ा सा घूम के आते हैं, संडे है आज। तो गाइस अभी शाम का 6 बजने वाला है, और मैं पहुंच गया हूँ भैया के पास। ये जगह का नाम है मालीगांव, इस तरफ है रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर। यहाँ पे भैया का मतलब जो बाइक है वो दिया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, कुछ क्लास केबल चेंज किए, लेकिन भैया आया था 1 बजे दिन में, और अभी 6 बज चुका है, अभी जाके काम हो चुका है फिनिश। और भैया फिर बोला कि डिकैथलॉन जाएगा कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि भैया का साथ जाऊँ डिकैथलॉन। और यहाँ पे एक बाइक था हिमालयन, काफ़ी अच्छा लगा बाइक। मैं पहले मतलब उठाऊँ इसके लिए पहले हाइट लग रहा था, मैं तो सही है अभी मैचिंग हो रहा है, तो इतना तो बजट नहीं है लेकिन इन फ्यूचर देखता हूँ क्या होता है। और इस तरफ ये रहा जोइंटो भाई, कब तक होगा गाड़ी ठीक? और 5-10 मिनट। 5-10 मिनट, ओके भाई। तो भाई रुक रुक के परेशान हो गया, मुझे करीब आधा घंटा या 45 मिनट हुआ होगा, लेकिन भाई तो दिन से रुका हुआ है, और आज संडे पूरा मतलब खाना भी तो नहीं खाया, नहीं खाया भाई, गाड़ी बाइक के चक्कर में ऐसे हो गया। और मौसम भी भाई पूरा बदल बदल होके रखा है, देख सकते हो ना पीछे शायद बारिश, दिन में तो मौसम सही था, अभी शाम होते मौसम फिर दोबारा से वैसे बारिश जैसा होने लगा है। तो अभी एक्चुअली हम दोनों का कहीं जाने का प्लान था, नहीं हुआ। कोई भी मेघालय जाने का प्लान था, वो भी भाई अकेले चला गया कल तो देखता हूँ 2-3 दिन में क्या होता है, इसलिए बाइक ट्रिप करने के लिए लाया था। ठीक है, चलिए
अपडेट मिलते रहेगा हम लोगों को। और अभी चलता हूँ डिकैथलॉन। तो गाइस ये रहा जॉइंटो भाई का रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, काम हो चुका है बढ़िया तरह से। और इस तरफ ये तो मेरा भाई फेवरेट है रॉयल एनफील्ड का हिमालयन। भाई आप लोग सपोर्ट कीजिए, जल्दी लेने वाला हूँ, अभी नहीं लेकिन लेने से इसी को लूँगा भाई, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो गाइस फाइनली पहुँच गया डिकैथलॉन आजरा गुवाहाटी, अभी चलता हूँ अंदर। आज संडे है ना तो बहुत ज़्यादा लोग आया हुआ है। तो गाइस रात का अभी 9 बज चुका है और ये रहा डिकैथलॉन और फाइनली निकल चुका हूँ। मैंने एक हाफ पैंट लिया और एक क्या रुमाल लिया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं रुमाल को, हैंकी लिया हो। और बाकी भाई ने लिया कुछ कुछ सामान, चप्पल भी लिया और हल्का फुल्का सब। ये बारिश हो रहा है, कोई नहीं पहुँचता हूँ आराम आराम से। चलिए यहाँ पर रखा गया था स्कूटी, अभी स्कूटी लेता हूँ। एक्चुअली जोइंटो भाई का साथ में गया था डिकैथलॉन एक ही बाइक में, तो अभी स्कूटी लेके घर चलता हूँ। चलिए तो गाइस फाइनली घर पहुंच गया हो और अभी रात का 10 बज चुका है। थोड़ा थोड़ा बारिश मतलब रास्ता में मिला था, कुछ टाइम रुकने पड़ा था उसके वजह से लेट हो गया। तो ठीक है गाइस, आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय आया हम, बाय बाय।